नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूं। और इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं ये ताना कैसे तानते हैं और स्टार्टिंग कैसे करते हैं, वो सभी चीज मैं आपको बताने वाला हूं। क्योंकि बहुत से दोस्तों कमेंट आया था कि चारपाई शुरू से कैसे बनाते हैं, वो सभी चीज मैंने बताई है। तो वही दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कि स्टार्टिंग कैसे करते हैं, यदि माई कैसे गुथी है इसके बारे में आपको जानना है तो पर्टिकुलर्स मैंने वीडियो बनाया है, वो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और बेल का बटन दबाइए ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलते हैं दोस्तों, आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले माई है, ये दावणी मैंने डाल दी है, ये हल्के हल्के नॉर्मल डाल दी है, तो वह भी आप डाल लीजिए। तो यहाँ इस माई में बांध लीजिए दोस्तों। तो यहाँ पे रस्सी ले लेते हैं और यहाँ ये रस्सी लेकर हम इसको बांध देते हैं दोस्तों। तो ये सबसे पहले आपको काम करना है। तो यहाँ पे चलते हैं सीधे, हम एक बार और देखिए यहाँ पे, और ये बांध देते हैं दोस्तों। और बांधने के बाद में आपको देखो इस तरफ किल्ली कैसे डालते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ से लेंगे और ये एक बार आप लेंगे दोस्तों, और फिर ये वापस से लेंगे। ये सबसे मेन बात है दोस्तों कि इसको सबसे पहले आप नीचे लेंगे ऐसे, और फिर ये रस्सी लेंगे आप, यही आपको करना है, इसमें ये डालना है। तो ये आपको विशेषकर ध्यान रखेंगे कि यहां से ये रस्सी लेंगे और ये एक बार इस प्रकार से लेंगे और यहां लेके किल्ली आप डाल दीजिए दोस्तों। ये आप कर देंगे तो ये स्टार्टिंग से ही ये आपको विशेषकर ध्यान रखना है, ये हमारा हो जाएगा। नॉर्मल रस्सी रखिए, इसको ज्यादा टाइट नहीं रखिए, नहीं तो ये निकल जाएगा आपके, ये विशेषकर आपको ध्यान रखना है। ये हल्का से आपको इस प्रकार से ले लेंगे, अब यहां से लेंगे दोस्तों, और इसमें भी आपको नॉर्मल ही लेना है, ये भी इस पे इसमें डाल देंगे किल्ली। तो ये किल्ली हमारी हो जाएगी दोस्तों, ये सबसे पहले आपको ये काम करना है। फिर देखो यहां से लेंगे दूसरी और ये नीचे से लेंगे, और जो पहले वाली रस्सी है उसमें आप धीरे से इसको डाल देना है दोस्तों। ये आपको डाल के और ये किल्ली में ये डाल देना है दोस्तों। तो ये इस प्रकार से स्टार्टिंग करेंगे, यहां से एक डाल दीजिए, फिर ये हर आपको दोस्तों बता देता हूँ मैं, चार रस्सी बाद में आपको दावणी डालना है। तो ये आपको विशेष कर रखेंगे, ये हमारे आगे ले लेंगे, इसी प्रकार से ये रस्सी हम लेंगे दोस्तों। ये आपको इस प्रकार से आगे स्टार्टिंग करना है, तो ये रस्सी इधर आ जाएंगी, थोड़ा सा इसको इधर सरका दीजिए, क्योंकि हर चार रस्सी बाद में आपको ये दावणी डालते रहना है। इस प्रकार से यहाँ से लेंगे और ये किल्ली भी आप इस प्रकार से डाल देंगे। ये जो देख पा रहे हैं चारपाई में ताना तान रहे, ये मैं आपको सिंगल घुंडी का बता रहा हूँ, और इससे पहले मैंने डबल घुंडी का बताया था दोस्तों, तो वो भी आप हमारे चैनल पर जाएंगे तो आपको बहुत सी वीडियो मैंने बनाई है डिजाइन की भी और ताना के बारे में, स्टार्टिंग कैसे करते हैं, या बहुत से व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स का हमारा कमेंट आता है कि किस प्रकार से स्टार्टिंग करते हैं, तो वो सभी मैंने पर्टिकुलर वीडियो बनाया दोस्तों। तो आप हमारे चैनल पे जाएंगे, विजिट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा और देख सकते हैं, क्योंकि इससे पहले मैंने बड़ी भी चारपाई बनाई थी, छोटी भी चारपाई बनाई है, तो वो सभी आप देख सकते हैं। देखिए इस प्रकार से लेंगे हम, हल्के किल्ली को लेंगे और ये इस प्रकार से इसमें डाल के निकाल लेंगे दोस्तों, यही आपको ध्यान में रखना है बस। ये थोड़ा कभी कभी होता है कि किल्ली में नहीं डलता है रस्सी, ये रस्सी डाल दीजिए, हल्की सी खींचिए, ज़्यादा टाइट भी नहीं है तो ज़्यादा नॉर्मल भी आपको रखना है बस, ये आपको विशेष कर रखना ध्यान में। और एक चारपाई में कितने किलो रस्सी लगती है वो भी मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, कितने किलो रस्सी लगती है तो वो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर, कि 6-7 किलो रस्सी नॉर्मल लग जाती है दोस्तों। वैसे आप चाहें तो 5 किलो रस्सी भी लगा सकते हैं या 6 किलो भी, लेकिन पूरी आपको चारपाई भरेंगे आप तो 7-8 किलो रस्सी आपकी लग जाएगी दोस्तों। तो ये विशेषकर आपको ध्यान रखेंगे तो ये आप पूरी चारपाई बना पाएंगे।
ये यहाँ से ले लेंगे और थोड़ा ये इस प्रकार से, इस प्रकार से धीरे धीरे सिक्वेंस ये चलता रहेगा। हर दो रस्सी के ये में गुंडी आपको डालेंगे दोस्तों, तो ये भी आपको ध्यान रखेंगे। जब दो रस्सी आपकी कंप्लीट हो जाएंगी तो ये गुंडी डलेगी। और ये हर चार रस्सी सिंगल चार रस्सी लेंगे, अगर जोड़ा से लेंगे तो दो लेंगे, यहाँ भी वैसे सिंगल लेंगे चार रस्सी में, तो ये दावणी एक डालेंगे, तो वो भी आपको करना है दोस्तों। तो देखिए इस प्रकार से धीरे धीरे आप और यहाँ से ये लेंगे। और एक बात का विशेष कर, देखो ये दावणी आती है इधर, थोड़ी जगह रहती है हमारी, तो उसको बराबर करने के लिए क्या करें, यहाँ पे आटा लगाना पड़ेगा। आटा कैसे लगाया जाता है वो हम आपको बता देते हैं। देखो एक बार हमने ये ले लिया है, फिर एक बार और लेंगे दोस्तों, ये इस प्रकार से एक बार और लेंगे यहाँ पे, तो ये एक बार और लेके फिर आप ये गुंडी डालेंगे। तो गुंडी हमने डाल दी है और फिर वापस ये रस्सी खींच लेंगे। और ये रस्सी हमेशा दोस्तों क्या है कि बाहर से आएगी, ये विशेषकर आपको ध्यान रखना है, यहाँ से ये रस्सी आएगी हमारी। अब एक और ये ले लेते हैं हम, और ये अलग डिजाइन से भी आप दावणी डाल सकते हैं। इसे सिंपल भी मैंने दावणी बताई है, थोड़ा और भी डिजाइन की अलग दावणी बताई है, तो इस प्रकार से अलग अलग डिजाइन में भी आप ये पगात हैं ये हमारी ये डाल सकते हैं दोस्तों। ये पगात क्यों डालते हैं उसके पीछे भी एक रीजन है कि आप चारपाई में क्या होता है लूज हो जाती है बाद में, या 5-7 साल बाद में, या 4 साल 2 साल बाद में लूज हो जाती है। उसको टाइट करने के लिए बराबर बराबर रहे, टाइट रहे, तो हमेशा चारपाई ज़्यादा दिन चलेगी दोस्तों। तो कभी भी चारपाई ये बनाएं तो ध्यान रहे कि ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत आप पगात अवश्य डालें, ताकि हमारी चारपाई को लूज हो जाती है, उसको हम टाइट कर सके दोस्तों। ये आपको विशेषकर ध्यान रखना पगात का भी, आपको कितना क्या है वो अपने हिसाब से, जगह छोड़ के आपको दो बिलान लेना है, एक बिलान या एक हाथ लेना है, वो आप अपने हिसाब से ले लीजिए दोस्तों। और ये मैं ज़्यादातर रेशम की या सूत की रस्सी यूज़ करता हूँ, क्योंकि बहुत से दोस्त हैं हमारे, उनके कमेंट आते रहते हैं, तो पूछते रहते हैं कि कौन सी रस्सी है। या तो रेशम की रस्सी यूज़ कर सकते हैं आप, या फिर सूत की रस्सी, या फिर आप चाहें तो प्लास्टिक की रस्सी भी यूज़ कर सकते हैं, वो सभी आपके ऊपर है दोस्तों, आपको कौन सी रस्सी यूज़ करनी है। और भी यदि आपको डिजाइन्स देखना है, चारपाई में नाम कैसे लिखते हैं, मोबाइल से नंबर कैसे लिखते हैं, इनके बारे में मैंने पर्टिकुलर वीडियो बनाया है, तो वो आप हमारे चैनल पे जाके और प्लेलिस्ट में देख सकते हैं दोस्तों, कि किस प्रकार से नाम लिखा जाता है, मोबाइल से नंबर कैसे लिखते हैं। हिंदी इंग्लिश में दोनों में मैंने नाम लिख कर बताया है, हिंदी में बताया है और इंग्लिश में भी, तो दोनों में नाम लिखना सीख सकते हैं कि किस प्रकार से नाम लिखा जाता है। तो वो पर्टिकुलर से दोस्तों मैंने वीडियो बनाया है, और डिजाइन्स का भी बनाया मैंने, क्योंकि सबसे आसान होती है वो चारपाई लहर की होती है, और लहर की इससे पहले मैंने बहुत सी चारपाई बनाई थी, तो वो थोड़ा आप चैनल पे जाएंगे विजिट करेंगे तो मिल जाएगा आपको वीडियो। यदि लहर के साथ साथ आपको डिजाइन्स की बनाना है तो आप डिजाइन्स ही बना सकते हैं, मैंने डिजाइन्स भी बनाई है और लहर भी, दोनों चीज़ मैंने बनाई है दोस्तों। तो वो सभी आपके ऊपर है कि आपको डिजाइन्स का सीखना है या लहर की चारपाई सीखना है, तो वो आपको देखना होगा, थोड़ा सा विजिट करेंगे तो ही आपको ये समझ में आएगा। इस प्रकार से धीरे धीरे आप बनाएंगे, तो ये चारपाई में देखो इसी प्रकार से, कोई छोटी हो चाहे बड़ी हो चारपाई उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ताना तानना आना चाहिए स्टार्टिंग पर। तो इस प्रकार से धीरे धीरे ताना तान सकते हैं दोस्तों। और भी यदि डिजाइन की देखनी है आपको, पूरी चारपाई में फूल बनाने हैं तो वो भी आप बना सकते हैं, उसके बारे में मैंने अलग अलग डिजाइन के बनाकर आपको बताए। या फिर इसके अलावा भी दोस्तों आप हमारे चैनल पर जाएंगे तो आपको बहुत सी वीडियो मिल जाएंगी, जो खटिया होती है हमारी, नौकरिया की छकड़िया खाट होती हैं, वो भी 5-6 प्रकार से बनाई हैं, और उसमें भी आपको सिंपल मिलेगी और डिजाइन्स की मिलेगी, दोनों चीज़ आपको देखने की मिलेगी। यदि आपको सिंपल देखना है तो सिंपल देख लीजिए, यदि डिजाइन्स की आपको देखना है तो डिजाइन्स की देख सकते हैं दोस्तों। उसमें आपको बता देता हूँ मैं, सबसे पहले है वो चौकड़िया खाट होती है, और सबसे आसान भी चौकड़िया खाट होती है दोस्तों। जैसे लहर की आसान होती है गोंडियों का पिलंग में, उसी प्रकार चौकड़िया खाट आसान होती है। और वो खाट एक ऐसी है कि कभी भी आप 12 महीने में कभी भी आप बना सकते हैं, और बाकी खाट ऐसी होती हैं कि कभी आप नहीं बना सकते, क्योंकि उसमें जी होता है, जी का ज़्यादा दिक्कत आती है, तो वो हर 12 महीने में नहीं बना सकते। लेकिन चौकड़ियाई खाट एक ऐसी है कि आप 12 महीने के अंदर कभी भी आप बना सकते हैं, तो उसमें आप कभी भी बना सकते हैं दोस्तों, उसमें जी का कोई दिक्कत नहीं होती, इसलिए आप कभी भी 12 महीने बना सकते हैं। उसके बाद में आप 5 कड़िया खाट आती है, वो आप देख सकते हैं, उसमें भी आपको सिंपल और डिजाइन्स की दोनों मिल जाएगी। उसके बाद 6 कड़िया खाट होती है, तो वो देखने को मिलेगी आपको। तो 6 कड़िया खाट में भी आप बहुत सी डिजाइन, सबसे ज़्यादा डिजाइन 6 कड़िया खाट में आप देख सकेंगे,
उसमें मैंने कई प्रकार की डिजाइन बनाई हैं, और उसमें भी आसानी बताई है दोस्तों डिजाइन की, दोनों चीज आपको देखने को मिलेगी। यदि आपको लहर की देखना है तो लहर की देख सकते हैं, यदि डिजाइन की देखना है तो आप डिजाइन सी भी देख सकती हैं। वो सभी आपके ऊपर है कि आपको कौन सी चारपाई बनानी है। उसके बाद में आप देखेंगे तो आप 6 कड़िया खाट के बाद में आपको 8 कड़िया खाट मिलेगी दोस्तों। 8 कड़िया खाट भी मैंने सिंपल और डिजाइन की दोनों बताई है, और उसके बाद में 9 कड़िया खाट देखेंगे। तो 9 कड़िया खाट में भी आपको बहुत सी डिजाइन मिलेंगी। तो ये सभी आपको देखने पर आपको पता चल जाएगा कौन सी डिजाइन की आपको बनाना है, या फिर आप उसके बाद में देखेंगे तो 12 कड़िया खाट मिलेगी। तो ये सभी आप हमारे चैनल पे जाएंगे और थोड़ा विजिट करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा। ये सभी खाटों के देखने के बाद में भी दोस्तों आप और भी, यदि आप हमारे चैनल पे चलेंगे तो आपको और भी डिजाइन्स मिलेंगी, जैसे कोई आपको हाथी, घोड़ा, मोर, ऊंट, तोता, ये सभी देखना है, मछली, तो इनके बारे में मैंने पर्टिकुलर वीडियो बनाया है, तो वो भी आप हमारे चैनल पे थोड़ा विजिट करना होगा दोस्तों, तो ये आपको पता चल जाएगा। धीरे धीरे देखिए इसी प्रकार से चारपाई में ताना तानेंगे। और भी यदि आपको मुड्डा बनाना है, जो डोका होते हैं उनसे आपको मुड्डा बनाना सीखना है, किस प्रकार से बनाया जाता है, तो उनके बारे में मैंने पर्टिकुलर वीडियो बनाया है, तो वो भी आप देखने पता चल जाएगा। लेकिन जब भी आप वीडियो देखें तो अंत तक देखें और उसमें सभी पार्ट देखें दोस्तों, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, तो ये आपको समझ में आएगा, तभी आप पूरी डिजाइन देख पाएंगे, तो आप समझ पाएंगे कि कौन सी डिजाइन हमारी बनाई दोस्तों। तो ये सभी से आपसे रिक्वेस्ट है, और मुड्डों में भी आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 देखेंगे तो ये आपको पता चल जाएगा। किसी गांव में डोका बोलते हैं, किसी में पूड़ा बोल देते हैं, कहीं पे कुच्चा बोलते हैं, तो वो सभी देखेंगे। या फिर आप बोतल में चारपाई कैसे डालते हैं, वो चारपाई में बोतल में भी डालकर मैंने बताई है कि किस प्रकार से बोतल में चारपाई बनाते हैं। और यदि आपको परचेज करना है तो ऑनलाइन आप परचेज भी कर सकते हैं दोस्तों, या फिर आपको चारपाई बनवाना है तो वीडियो के नीचे आप देखेंगे या फिर आप ऊपर देखेंगे तो इसको हिंदी और इंग्लिश में दोनों में आपको एड्रेस मिल जाएगा दोस्तों, तो वहां से आप एड्रेस देख के मेंशन कर सकते हैं, और मेरा मोबाइल नंबर भी मिलेगा दोस्तों, तो यदि नज़दीक के हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं और चारपाई बना सकते हैं। मैं ज़्यादातर आप देखते हैं दोस्तों ऑर्डर पर ही चारपाई बनाता हूँ, तो वो आप ऑर्डर दे के बनवा सकते हैं दोस्त, तो वो आपको एड्रेस, बहुत से दोस्त पूछते रहते हैं एड्रेस के बारे में, वो पूरा एड्रेस मैंने हिंदी इंग्लिश में लिखा हुआ है दोस्तों, तो वो आप हमारे चैनल पे जाएंगे तो उसमें देखेंगे, या तो स्टार्टिंग में भी आपको वीडियोस, लेटेस्ट वीडियो देखेंगे तो मिल जाएगा, या फिर पुरानी वीडियो के अंदर आप डिस्कशन में देखेंगे तो वहां सभी आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, वो सभी आप एड्रेस वहां से देख सकते हैं, हिंदी में भी लिखा है, इंग्लिश में भी लिखा, दोनों चीज में आप एड्रेस लिखे हैं दोस्तों, तो वो हमारे चैनल पे आपको विजिट करना होगा, तो वहां से देख कर आप विजिट करके और पूरी चारपाई आप ये परचेज करना है तो परचेज कर सकते हैं, यदि बनवाना है तो बनवा सकते हैं, तो वो सभी आप देख सकते हैं दोस्तों। ये सभी को रस्सी को थोड़ा बराबर कर देना है, ताना तान के आपको इन सभी रस्सियों को थोड़ा इधर बराबर कर देंगे तो पूरी रस्सी स्क्रॉल करके आप हो जाए दोस्तों। ये चैन है, इस चैन का विशेषकर आपको ध्यान रखनी है, तो इस प्रकार से पूरी चारपाई में आप ताना तान सकते हैं। आगे ये कैसे स्टार्टिंग करेंगी ये दोस्तों मैं पार्ट 2 में बताऊंगा, क्योंकि जब भी मैं कोई भी वीडियो बताता हूँ दोस्तों पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 तक बताता हूँ, तो सभी पार्ट देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी दोस्तों। तो पार्ट 2 में इसके आगे की डिजाइन आप देख सकते हैं। तो आशा करता हूं कि दोस्तों ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मैं अगले नई वीडियो लेकर हाजिर हूँगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।